हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंपक नगर गाँव में राजेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। गरीबी के कारण उनके घर में सुख सुविधाएं नहीं थी। राजेश एक बस ड्राइवर था जो कि किराए की बस चलाया करता। रात के समय उसकी पत्नी सुरमई खाना बना रही थी, तभी उसकी बूढ़ी सास शैलजा अपने पोते गोलू के साथ घर आती है। खाने में क्या खास बना रही है बहू, जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? कुछ खास नहीं माँ जी, तड़के वाली दाल बनाई है। ये थककर घर आते हैं तो मेरा भी मन करता है इनके लिए पकवान बना कर रखूं। लेकिन किस्मत ऐसी है कि इस दाल चावल के अलावा कुछ और बना ही नहीं सकती। अरे तो दाल चावल कौन सा बुरा खाना है? खाना तो पेट भरने के लिए खाया जाता है, चाहे कितने भी पकवान खा लो, मन तो कभी नहीं भरता। माँ 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 भूख लगी है। हाँ हाँ बन गया है खाना, बहू इसे खाना खिला दे, राजेश तो ना जाने कब तक आएगा घर। ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद राजेश घर आता है और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाते हुए वो मुस्कुराकर सुरमई की तरफ देखता है। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि मेरी दिन भर की थकान का इलाज तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना होता है। क्या स्वाद है दाल में, थोड़ी और दे दो। हाँ हाँ लीजिए ना। एक मिनट, तुमने खाना खाया क्या? हाँ बिल्कुल, गोलू को खिलाते वक्त मैंने खाना खा लिया था। दोनों की बातें जारी थी तभी उसकी सास आकर कहती है। दो कौर चखने को खाना नहीं कहते बहू। बेटा इसने खाना नहीं खाया, आज राशन कम पड़ गया था, जितना बना इसने हम सबको खिला दिया। सुरमई ये तो ठीक नहीं, माना हमारे हालात ठीक नहीं, लेकिन हमारे लिए कम से कम तुम ऐसी भूखी तो मत रहो, चलो खाओ मेरे साथ। कैसी बातें करते हैं आप, मेरा मन नहीं है इसलिए नहीं खाया बस। ऐसे कैसे मन नहीं है, तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा। इतना कहकर राजेश उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ऐसे हालातों का सुरमई ने कई बार सामना किया है लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। एक रोज की बात है, राजेश शाम के समय राजेश की अब थोड़ी सी बहस हो जाती है और वो बस को अपनी जगह पर खड़ी करके घर लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी राम सिंह से होती है। क्या हाल चाल है भाई, काम धंधा सब बढ़िया तो चल रहा है ना? बस गुजारा हो रहा है राम भाई। क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो। क्या बताऊं, बस के मालिक से जरा बहस हो गई, बस चलाते हुए एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी तो बस के पीछे की लाइट टूट गई, उसकी भरपाई वो बस का मालिक मेरी पगार काट कर करेगा। ये तो गलत बात है, मैं तो कहता हूँ ना तुम खुद बस खरीद कर ना क्यों नहीं चलाते हो, झंझट ही खत्म हो जाएगा और सारी की सारी कमाई वो भी तुम्हारी हो जाएगी। क्यों गरीब से मजाक करते हो भाई, मैं बस खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे राजेश भाई पैसों का क्या है, एक बार इंतजाम कर लो, उसके बाद कमाई होगी ना उससे सब कुछ चुकता कर देना, और वैसे भी ऐसे कब तक अपनी पगार कटवा कर काम चलाते रहोगे भाई। राम सिंह तो मुफ्त का ज्ञान बांट कर चला जाता है लेकिन उसकी बातें राजेश के दिमाग में घूमने लगती है और वो बस खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने जुट जाता है। करीब 2 महीने में वो कुछ बचाए पैसों से और किसी से उधार लेकर एक बस खरीद लेता है, जिसके सामने वो नारियल तोड़कर उसे चलाने के लिए बस में बैठता है तो बाहर से ही सुरमई प्रार्थना करते हुए कहती है। हे भगवान सब ठीक करना, जैसे तैसे बस तो ले ली है, अब इसके जरिए कमाई भी अच्छी करवा देना। राजेश बस लेकर निकल जाता है, लोग उसके बस में यात्रा भी करते हैं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है और एक शाम बस घर लाते हुए उसकी टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो जाती है, जिसमें बस को तो नुकसान नहीं होता लेकिन राजेश बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके चलते डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में 2 महीने के लिए भर्ती कर लेते हैं। ऐसे में घर और हॉस्पिटल के खर्चों के लिए कुछ दिन तो सुरमई उधार लेकर काम चलाती है, लेकिन एक रोज वो परेशान होकर घर के बाहर बैठी होती है तो साइकिल पर एक आदमी को, माँ जी क्यों ना मैं बस में खाना बनाकर बेचना शुरू कर दूं? बस में खाना बनाकर? यानी तू बस में ढाबा खोलने की बात कर रही है? लेकिन बहू तू अकेले कैसे? माँ जी मैं इस बस को ठीक करके चला तो नहीं सकती, इसलिए अगर ये काम करती हूँ तो कम से कम कुछ पैसों का इंतजाम तो होगा, वरना इस गरीबी में तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। शैलजा अपनी बहू की बात से सहमत होती है, जिसके बाद से सुरमई उस बस को अच्छे से साफ करके बस ढाबा खोल लेती है और उस ढाबे का नाम अपने बेटे के नाम पर गोलू बस ढाबा रखती है और बस की टूटी खिड़की से
लोगों को आवाज लगा कर कहती है, आइए आइए बस ढाबे में खाना खाइए, आइए आइए बस ढाबे में खाना खाइए। बहू, अगर लोग इस बस ढाबे में नहीं आए तो? माँ जी, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। शुरुआती दिनों में थोड़ा समय तो लगेगा ही, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा तो वो खुद ही यहाँ आएंगे खाना खाने। तू सही कह रही है बहू। इस हालत में भी सुरमई अपनी सास को हिम्मत देती है और पूरी मेहनत और लगन से बस ढाबे को चलाने की कोशिश करती है। तो राजेश का अस्पताल में इलाज चल रहा था। एक रोज राम सिंह सुरमई के बस ढाबे से गुजर रहे होते हैं तो खाने की खुशबू से वो खींचे चले आते हैं। उसे देखकर सुरमई कहती है, आइए क्या खाना चाहेंगे आप? अरे राम भैया आप? अरे वाह, आपने तो बस में ही ढाबा खोल लिया। चलो, इस बस का कुछ तो इस्तेमाल किया आपने। हाँ भैया, इस गरीबी हालत में मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ, और अगर कुछ नहीं करूँगी तो काम कैसे चलेगा। ये तो है, अब तो मैं तुम्हारे बस के ढाबे में आया हूँ तो कुछ बढ़िया सा खिला दो। खाने की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। तभी राम सिंह बस की एक सीट पर जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में सुरमई उसके लिए राजमा चावल लेकर आती है। इतने में ही दो ग्राहक और उसकी बस ढाबे पर आते हैं तो सुरमई उन्हें भी बैठने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वो खाने और बस ढाबे दोनों की ही तारीफ करते हैं और पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे शैलजा की गरीब बहू के बस ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। तभी एक रोज वो खाना लेकर राजेश को देखने अस्पताल जाती है। मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है ना, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। आप खुद को दोष मत दीजिए, भगवान की दया से सब ठीक है। हाँ बेटा, मेरी बहू ने बस ढाबा चलाकर बस के लिए जो उधार लिए थे ना, उसे भी चुका दिया है। अब बस तू जल्दी से ठीक होकर घर आ जा। सच में, पता नहीं तुम नहीं होती तो मेरे परिवार का क्या होता। कम पढ़ी लिखी होकर भी तुम इतनी समझदार हो, मेरे ना रहते हुए भी सब कुछ कर सकती हो। हाँ, ऐसी बहू भगवान सबको दे। बीतते समय के साथ सुरमई के बस ढाबे की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगती है, जिससे लोग उसके बस ढाबे को देखने और उसमें बैठकर खाना खाने के लिए आया करते, जिससे अब सुरमई की कमाई भी अच्छी होने लगती है। कुछ ही महीनों में राजेश भी ठीक होकर घर वापस आ जाता है, जिसके बाद राजेश भी बस ढाबे को चलाने में सुरमई का हाथ बटाने लगता है और वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।